नाम बताओ। नाम कदम सिंह। आप कुछ कह रहे हो उस समय अभी तक बीच में? मैं तो वही भगवान की बात चल रही थी, भगवान की भक्ति और भक्तों की बात चल रही थी। दुकान पे एक कस्टमर आया, वो कहता कि मैं मंदिर में गया तो वहाँ दर्शन की मेरी इच्छा थी और भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो लग रहा था कि नंबर यहाँ आने वाला नहीं है, तो इसलिए जो सामान हम पूजा पाठ कर ले गए थे वो यहाँ के पुजारी को दे के और अपना यहीं से हाथ जोड़ लेते हैं। तब जैसे हम चलने लगे तो पीछे से इतनी भारी भीड़ आई, कोई नेता अभिनेता कोई बड़ा आदमी आया मंदिर में दर्शन के लिए, उसके साथ भीड़ बहुत ज़्यादा थी, तो बाहर निकलने की बजाय धक्के में उन लोगों ने मुझे भी अंदर मंदिर में घुसा दिया और कपाट बंद हो गए। अंदर से मुझे इतने अच्छे से दर्शन हो गए कि कभी कल्पना भी नहीं की थी जीवन में कि इस तरह से मुझे दर्शन होंगे। मैं तो भक्ति और भक्तों की बात कर रहा था, माता जो है बहुत अच्छा था, भाव अच्छा था उनका जो है, तो उन्हें दर्शन ऐसे हो गए। या तो वो बाहर जाने वाले, तो माता ने कहा भगवान ने कहा कि दर्शन आया है तो दर्शन करके निराश क्यों होता है, बाहर चीज है। मैं आता हूँ माता, मुझे इतना ये ऐसा लगता है कि जैसे ये खोपड़ी ना ये बर्तन है ना सड़ा गला हुआ था गंदा सा था, यहाँ आके ना शुद्धि होती है, मेरा मन शुद्ध होता है, शुद्धि होती है, इसलिए मैं माता के दरबार में आता हूँ। शांति मिलती है, शांति मिलती है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं माता के दरबार में आया। बाबू यहाँ पे सभी बोलते हैं आके सबको, अच्छा आप लोगों को शांति मिल रही है, लगता है कुछ है जीवन में, क्योंकि ये माँ भगवती माँ चंद्रवर्णी है, इनकी मूर्ति नहीं है, आप इनके मंदिर में भी जाओगे, गए हैं आप लोगों में से कोई? नहीं, 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 तो ये मूर्ति रूप में स्थापित होती ही नहीं है।